हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। बात करेंगे कि फेल्ड स्टेट क्या होता है, इंडिया इस लिस्ट में कौन से रैंक पे है। ठीक है दोस्तों, फेल्ड स्टेट इसलिए किसी कंट्री को कहा जाता है अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट उस कंट्री को संभाल नहीं पा रही है। वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, दंगे हो रहे हैं, राइड्स हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा जा रहा है या मीडिया पर्सन को मारा जा रहा है। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी पुअर हो चुकी है और वहाँ की जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, अलग अलग देश उसी देश में अलग देश बनाने की मांगें चल रही है। ये सब जो पॉइंट्स है वो देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया क्यों एक फेल स्टेट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। हमारी जीडीपी पर ये 7.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $300 बिलियन के आसपास है, जो कि हमारे इम्पोर्ट से थोड़ा कम है। हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा। इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो $350 बिलियन के आसपास है और जो इंडिया की जीडीपी है इस समय नॉमिनल वो लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है। अभी पहुंची नहीं है, मुझे लगता है 1-2 साल में पहुंच जाएगी। बट चाइना की जो जीडीपी नॉमिनल है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा है, वो $14 ट्रिलियन के पास आसपास है। तो वो हमें कब तक हम चाइना को कैच कर पाएंगे मुझे भी नहीं पता। दोस्तों चलिए आइए लिस्ट दिखा देता हूँ आपको मैं। एक ये है 2008 की लिस्ट है फेलिंग स्टेट्स की। इसमें पाकिस्तान ने टॉप किया है, टॉप 10 में आया है। अब इसमें देखेंगे सोमालिया फर्स्ट रैंक पे है। सोमालिया को आपको सोमालिया की क्या हालत है आपको पता होगा, पर जिम्बाब्वे इस लिस्ट में क्यों है दोस्तों? जिम्बाब्वे में दोस्तों सिविल वॉर वाली कंडीशन तो नहीं है, ना तो टेररिज्म है, ना तो बम ब्लास्ट वगैरह कुछ हो रहा है। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्राइसिस का है, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस है दोस्तों। यहाँ की जो जीडीपी है जिम्बाब्वे की वो काफ़ी पुअर है, यहाँ की करेंसी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और मतलब अगर आपको कुछ सामान लेना जाना है, छोटी सी सामान भी लेना है, तो आपको एक एक बोरी भर के पैसे ले जाने पड़ते हैं। इसलिए इस लिस्ट में सोमालिया को डाला गया था। अब देखेंगे बांग्लादेश भी इस लिस्ट में 19 में था, बट 2017-18 की अगर लिस्ट देखें तो उसमें बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया 72 रैंक में है, जो कि 2012-13 के आसपास हमारी जो रैंकिंग थी वो 66 थी। तो मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अच्छा काम किया, मोदी गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छा काम कर रही, इसलिए हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं तो नहीं हो पाती। क्योंकि दोस्तों इंडिया इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े देश में दंगे और किडनैपिंग मर्डर होना लाजमी है दोस्तों। बट अगर वो रेशियो देखा जाए तो काफ़ी कम होता है दोस्तों। आप भी सोचेंगे यार इंडिया में कितना मर्डर है, लूटपाट है, किडनैपिंग है, दंगे हो रहे हैं। बट दोस्तों जो रियलिटी है वो अगर 130 करोड़ के हिसाब से हम लोग देखा जाए तो वो काफ़ी कम है। आप अगर इंडिया को कोसते हैं, आपको शर्म आती है इंडियन बोलने पर, आप सोचते हैं इंडिया मतलब रहने लायक नहीं है, हमें कहीं बाहर चले जाना चाहिए, तो आपको अफ्रीकन देश में जाके देख लेना चाहिए, आपको नॉर्थ कोरिया जाना चाहिए, आपको चाइना जाके देख लेना चाहिए। दोस्तों चाइना जो दिखाता है वो एक्चुअली अंदर से ऐसा है नहीं, ठीक है? आप कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पर मतलब खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते गवर्नमेंट के। अगर यहाँ तो लोग सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री को गालियाँ दे देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मार कितने, मतलब एक MLA था वो सीधे काटने की बात कर रहा था उनको। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इंडिया में इतना फ्रीडम है, फिर भी लोग सोचते कि इंडिया रहने लायक नहीं है, हमें देश छोड़ के चले जाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, स्पीच नहीं है, ठीक है? दोस्तों अगर ये सब बातें सोचते हैं तो आप जाके साउथ अमेरिकन कंट्री में चले जाइए, ब्राज़ील में चले जाइए, मेक्सिको में चले जाइए, वेनेजुएला चले जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया मतलब क्या देश है, मतलब कितनी फ्रीडम है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था फेल्ड स्टेट के बारे में जानकारी। दोस्तों ये है एक इमेज देख लीजिए, इसमें मतलब जो ये रेड और ऑरेंज में है इनकी हालत बहुत ख़राब है इस समय। इंडिया है वो लाइट ग्रीन में है, तो इंडिया की कंडीशन इंप्रूव हो रही डे बाय डे। पाकिस्तान को रेड में रखा गया है, ये 2016 की लिस्ट में। पाकिस्तान अभी भी डेंजरस कंट्री है दोस्तों। फेल्ड स्टेट लिस्ट में आने का मतलब ये है कि आपके कंट्री में पहली बात कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपके कंट्री में टूरिस्ट नहीं आएंगे। दोस्तों आपको पता है 2018 में इंडिया में लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉरेन टूरिस्ट आए घूमने के लिए, जो कि 4 से 6 साल पहले जो खाली 30 से 40 लाख के पास हुआ करती थी। बट इंडिया में जो ई वीज़ा मोदी सरकार ने देना स्टार्ट किया, उससे जो इंडिया का टूरिज़्म है वो काफ़ी बढ़ गया। तो यही सब कारण है दोस्तों कि जो FDI आई है इंडिया में, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, इसलिए इंडिया की जो फेल्ड स्टेट जो लिस्ट में रैंकिंग थी वो काफ़ी ग्रो हुई है, 66 से 72 पहुंची है और ये 2025 तक मुझे लगता है 90 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वीडियो फेल्ड स्टेट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।